इस वीडियो में हम आरएस फैक्टर और अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 19 का ब्लड ग्रुप्स। सो फर्स्ट आरएस फैक्टर देखते हैं। आरएच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी। जो आरएच फैक्टर है वो एक एंटीजन है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। दिस एंटीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टाइनर एंड विनर। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मंकी। ये पहले सबसे पहले किस में पाया गया? रेसिस मंकी में। एंड हैंस द नेम आरएच। रेसिस की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट टू लेटर आरएच, आरएच फैक्टर। There are many RH antigens, but only the capital D जो है D antigens is more antigenic in human. The persons having capital D antigen are called RH positive, and those without D antigen are called RH negative. जिनमें D antigen नहीं होता वो RH negative होते हैं, और जिनके पास D antigen होता है उनको RH positive कहते हैं। Among Indian population, 85% of people are RH positive and 15% are RH negative. Indian population में 85% लोगों के पास RH positive है and सिर्फ 15% लोगों के पास RH negative है. Percentage of RH positive people is more among black people. और जो RH positive जो antigen होता है वो उनका percentage ब्लैक पीपल में ज़्यादा पाया जाता है। आरएच ग्रुप सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम एबीओ ग्रुप सिस्टम। जो आरएच ग्रुप सिस्टम है वो डिफरेंट होता है एबीओ ग्रुप सिस्टम से, बिकॉज द एंटीजन कैपिटल डी डज नॉट हैव कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल एंटीबॉडी एंटी डी। बिकॉज क्योंकि जो एंटीजन डी है उसके पास कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं है, नहीं होता। However, if RH positive blood is transfused to a RH negative person, anti-D is developed in that person. तब भी अगर RH positive blood transfusion होगा उसका RH negative person के साथ, तो जो anti-D है वो develop हो जाएगा वो person में। On the other hand, there is no risk of complications if the RH positive person receives RH negative blood. और दूसरी तरफ जो वहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता अगर आरएच पॉजिटिव पर्सन रिसीव करता है आरएच नेगेटिव ब्लड, तो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। नीचे इनहेरिटेंस ऑफ आरएच एंटीजन दिया गया। रेसिस फैक्टर इज एन इनहेरिटेड डोमिनेंट फैक्टर। जो रेसिस फैक्टर है वो इनहेरिटेड डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट। इट मे बी होमोजाइगस रेसिस पॉजिटिव विथ कैपिटल डी, बोथ कैपिटल डी। होमो मीन्स सेम रहेगा। हेट्रोजाइगस रेसेसिव पॉजिटिव विथ डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी। रेसेस नेगेटिव अकर्स ओनली विद द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डी। जो रेसेस नेगेटिव होता है ना वो सिर्फ तभी होगा जब कैपिटल डी होगा ही नहीं, लाइक बोथ स्मॉल डी होंगे तब। यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। फादर होमोजाइगस विथ कैपिटल डी डी। अगर फादर के पास होमोजाइगस क्रोमोसोम है कैपिटल डी डी पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव होगा। हमने वो पढ़ा ना कि अगर जब तक एक भी कैपिटल डी प्रेजेंट होगा ना ब्लड में तो वो आरएच पॉजिटिव ही होगा। जब एक भी कैपिटल डी नहीं होगा तब जाके आरएच नेगेटिव होगा। मदर में एक भी कैपिटल डी नहीं है, दोनों ही होमोजाइगस क्रोमोसोम है, स्मॉल डी रेसेसिव है, दोनों ही रेसेसिव है, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट हैं। सो जो रेसेसिव वाला है आरएच नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा? और इस कंडीशन में फादर होमोजाइगस विथ कैपिटल डी डी, इस कंडीशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, आरएच पॉजिटिव। फादर होमोजाइगस विथ स्मॉल डी डी, अगर स्मॉल डी डी रेसेसिव क्रोमोसोम के साथ होमोजाइगस है फादर, तो ऑल स्प्रिंग्स आर आरएच नेगेटिव, सब स्प्रिंग्स आरएच नेगेटिव रहेंगे। देखो किसी में भी कैपिटल डी नहीं है, सब में रेसेसिव वाला है। थर्ड कंडीशन, फादर हेट्रोजाइगस विथ कैपिटल डी स्मॉल डी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। सो इसमें 50% ऑफ स्प्रिंग्स आरएच पॉजिटिव होंगे और 50% आरएच नेगेटिव हेट्रोजाइगस। अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी।
Transfusion reactions are the adverse reactions in the body which occur due to transfusion error that involves transfusion of incompatible blood. Transfusion reaction बहुत ही बुरा, बहुत ही एडवर्स रिएक्शन है जो बॉडी में होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न एरर के वजह से जिस कंडीशन में हम इनकम्पैटिबल ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, द रिएक्शन मे बी माइल्ड कॉजिंग ओनली फीवर एंड हाइव्स का स्किन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई इचिंग, मे बी सीवियर भी हो सकता है, लीडिंग टू रीनल फेलियर, शॉक एंड डेथ. In mismatch transfusion, the transfusion reaction occurs between donors RBC and recipients plasma. जो mismatched transfusion होता है उसके अंदर transfusion reaction होता है donor के RBC और recipient के plasma के बीच में. याद रखना, donors के RBC और recipient के plasma के बीच में. So if the donor's plasma contains agglutinins against recipient's RBC, agglutination does not occur. यदि डोनर के प्लाज्मा के अंदर एग्लूटिनेंस होगा अगेंस्ट और रेसिपिएंट्स आरबीसी के, तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा. एग्लूटिनेशन आप लोगों को पता है ना, क्लंपिंग और ग्रुपिंग ऑफ आरबीसी. दिस एंटीबॉडीज आर डाइल्यूटेड इन द रेसिपिएंट्स ब्लड. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये एंटीबॉडी है वो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं रेसिपिएंट के ब्लड में. But if recipient's plasma contains agglutinins against donor's RBC, लेकिन अगर recipient का जो plasma है वो अगर agglutinins मतलब contain करेगा अपने plasma में against donor's RBC, तो क्या होगा, the immune system launches a response against the new blood cell. जो immune system है वो new blood cell के against में response करेगा. डोनर आरबीसीज आर एग्लूटिनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. और जो डोनर आरबीसीज है वो एग्लूटिनेटेड हो जाएगा, जिसके वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने लगेगा. यहाँ पर नीचे सीवियरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस दिए गए हैं. सीवियरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वेरीज फ्रॉम माइल्ड फीवर एंड चिल्स, माइल्ड में फीवर या चिल्स, और टू माइल्ड टू सीवियर में क्या हो सकता है, अक्यूट किडनी फेलियर, शॉक एंड डेथ भी हो सकता है. सीवियरिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड. सीवियरिटी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है, एंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी, एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ के जो पेशेंट है उनके हेल्थ के पे भी डिपेंड करता है. कॉज फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकम्पैटिबल ब्लड प्रोड्यूसेस हेमोलाइटिक रिएक्शंस. जब इनकम्पैटिबल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है होता है तो क्या होता है, हेमोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं. द रेसिपिएंट्स एंटीबॉडीज, जो रेसिपिएंट हैं जिसने लिया है ब्लड, रेसिपिएंट्स एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन जी एंड एम अधीर टू द डोनर्स आरबीसीज विच आर एग्लूटिनेटेड एंड डिस्ट्रॉयड. लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हेमोग्लोबिन इज लिबरेटेड इन टू प्लाज्मा, और इस कंडीशन में जो रेसिपिएंट्स हैं उनके लिए उनके ब्लड में लार्ज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन लिबरेट होता है प्लाज्मा के अंदर. दिस लीड्स टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसके वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने लगते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फर्स्ट है नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस डेवलप्स विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ आवर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जो नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही हो जाता है, और कुछ मिनट के अंदर या फिर कुछ घंटों के अंदर ही हो जाता है आफ्टर द ब्लड लेने के बाद, कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटे के बाद. कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ईचिंग. और इसमें के सिम्टम्स क्या आते हैं नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, फीवर या फिर डिफिकल्टी ब्रीदिंग डिफिकल्टी और ईचिंग. सेकेंड है हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मे बी अक्यूट और डिलेड. जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो अक्यूट भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है. द अक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन
occurs within few minutes of transfusion, और जो acute hemolytic reaction है वो कुछ मिनट के अंदर ही होने दिखाई देने लगता है. It develops because of rapid hemolysis of donor RBCs, और ये इसलिए develop होता है because जो डोनर्स का आरबीसी है वो बहुत ही तेज़ी से हेमोलिसिस उसका ब्रेकडाउन होने लगता है. हेमो जो ब्लड है उनका ब्रेकडाउन होने लगता है हेमोलिसिस. सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट. और सिम्टम में है जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसमें क्या सिम्टम है, फीवर, चिल्स एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रोंकोस्पाज्म, नोजिया, वॉमिटिंग, रेड यूरिन, चेस्ट पेन, बैक पेन एंड रिगर. सम पेशेंट्स मे डेवलप पल्मोनरी एडिमा एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. कुछ पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा भी होता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी होता है. डिलेड हेमोलाइटिक रिएक्शन अकर्स फ्रॉम 1 to 5 days आफ्टर ट्रांसफ्यूजन. और जो डिलेड हेमोलाइटिक रिएक्शन है वो ट्रांसफ्यूजन के 1 to 5 days के बाद होता है, 1 to 5 days के बीच में. द हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन टू द ब्लड. जो आरबीसी के हेमोलाइसिस के वजह से आरबीसी जो है उसके हेमोलाइसिस के वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन रिलीज होने लगता है प्लाज्मा के अंदर. दिस लीड्स टू फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस. वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, जॉन्डिस, कार्डियक शॉक, रीनल शटडाउन. फर्स्ट हम जॉन्डिस के बारे में देखेंगे. नॉर्मली हेमोग्लोबिन रिलीज्ड फ्रॉम डिस्ट्रॉयड आरबीसी इज डिग्रेडेड एंड बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट. नॉर्मली जो हेमोग्लोबिन है जो रिलीज हुआ होता है डिस्ट्रॉयड आरबीसी से वो डिग्रेड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है एंड उससे बिलीरुबिन फॉर्म हो जाता है. When the serum bilirubin level increases above 2 mg/dL, jaundice occurs. जब जो serum bilirubin level है वो 2 mg/dL से ऊपर increase होने लगता है, बढ़ने लगता है तो jaundice हो जाता है, jaundice होता है. Second है cardiac failure, cardiac shock. Simultaneously हेमोग्लोबिन रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. साथ ही साथ में जो हेमोग्लोबिन है जो प्लाज्मा के अंदर रिलीज हुआ है वो ब्लड के विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है. दिस इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट लीडिंग टू हार्ट फेलियर. जिसके वजह से विस्कोसिटी, ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है जिसके वजह से जो वर्कलोड है हार्ट का वो भी बढ़ जाता है, इसलिए हार्ट फेलियर हो जाता है. मोर ओवर toxic substances released from hemolyzed cells reduce the arterial blood pressure and develop circulatory shock. Moreover, जो toxic substances है जो release हुए होते हैं hemolyzed cells से वो क्या करते हैं, arterial blood pressure कम कर देते हैं and circulatory shock develop कर देते हैं, जिसके वजह से circulatory shock develop हो जाता है. Moreover, toxic substances released from hemolyzed cells reduce the arterial blood pressure and develop circulatory shock. Third है complication, renal shutdown. Dysfunction of kidneys is called renal shutdown. Kidney जब function नहीं करता उससे ही हम renal shutdown कहते हैं. Dysfunction of kidney called renal shutdown. The toxic substances from hemolyzed cells cause constriction of blood vessels in kidney. जो toxic substances होते हैं hemolyzed cells से वो blood जो kidney का blood vessels होता है उन्हें constrict कर देते हैं, करते हैं. In addition, the toxic substances along with free hemoglobin are filtered through glomerular membrane and enter renal tubules. उसके साथ ही जो toxic substances हैं वो free hemoglobin के साथ फिल्टर्ड होते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के थ्रू एंड एंटर करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में. बिकॉज ऑफ पुअर रेट ऑफ फ्री अब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ऑल दिस सब्सटेंसेस प्रेसिपिटेट एंड ऑब्स्ट्रक्ट द रीनल ट्यूब्यूल. और पुअर रेट ऑफ री अब्जॉर्प्शन के वजह से जो
रीनल ट्यूब्यूल के पुअर रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के वजह से जो भी जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ट्यूब्यूल के अंदर एंड रीनल ट्यूब्यूल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं. दिस सडनली स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसके वजह से यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है. और स्टॉप इस जो यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है उसे हम एनुरिया कहते हैं, एनुरिया. इफ नॉट ट्रीटेड विद आर्टिफिशियल किडनी द पर्सन डाइज विद इन 10 to 12 डेज बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, सर्कुलेटरी स्ट्रोक एंड मोर स्पेसिफिकली ड्यू टू रीनल शट डाउन एंड एनुरिया. अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा आर्टिफिशियल किडनी के साथ तो जो पर्सन है वो 10 से 12 दिन के अंदर मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के वजह से, सर्कुलेटरी शॉक के वजह से और मोर स्पेसिफिकली ड्यू टू रीनल शट डाउन के वजह से एंड एनुरिया के वजह से. इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.